मवेशी बांधने की बात को लेकर दो भाइयों में हुआ विवाद। विवाद इतना बड़ा कि एक भाई और उसके परिवार के कुछ सदस्यों ने मिलकर दूसरे भाई पर कर दिया प्राण घातक हमला, जिससे उसकी मौत हो गई। मामला देवास जिले के खातीगांव थाना क्षेत्र के ग्राम भटासा का है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा तैयार कर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए खातीगांव भेजा। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतक के बेटे दिलीप की रिपोर्ट पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधीक्षक देवास शिव दयाल सिंह द्वारा शीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया था, जो ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा एवं एसडीओपी ब्रजेश सिंह कुशवाहा के मार्गदर्शन में आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने हेतु टीम गठित की गई। शुक्रवार को आरोपियों की सूचना मिलते ही खातेगांव थाना प्रभारी सज्जन सिंह मुकाती दलबल के साथ पहुंचे और 5 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। ग्लोबल इंडिया टीवी के देवास से आमीन मंसूरी की रिपोर्ट। कल दिनांक 3/12/2020 को प्रातः 7 बजे की ग्राम भटासा की घटना है। छन्नूलाल और बलराम दोनों भाई भाई हैं। छन्नूलाल के घर के बाजू में उसकी तार फेंसिंग के खूंटे से बलराम ने बेल बांध दिया, जिस पर छन्नूलाल ने मना किया और बेल को छोड़ दिया। इसी बात पर से विवाद हुआ और छन्नूलाल को बलराम, उसके दोनों लड़के राहुल, भोलू और उसकी पत्नी और बहुएं 5-6 लोगों ने मिलकर पिराना और लाठी डंडे से मारपीट की, जिससे छन्नूलाल के सिर में प्राणघातक चोटें आई और उन चोटों से ही उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर जाकर उसका पंचायतनामा किया, पीएम कराया और आज 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिन्हें कोर्ट पेश किया और जिनका जेल वारंट बनने से उनको जेल दाखिल किया है। सभी आरोपियों के विरुद्ध धारा 302, 294, 323, 334 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आपका सुन मैं थाना प्रभारी सज्जन सिंह मुकाती, थाना खातेगांव।